हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मोज़िला फायरफॉक्स को कैसे डाउनलोड करते हैं। यदि आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, विंडोज 7, 8, XP, 10, 11, इन सभी में आज हम मोज़िला फायरफॉक्स को डाउनलोड करने वाले हैं। मोज़िला फायरफॉक्स को सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करने का तरीका लगभग सेम ही है। आज के इस सेशन में हम लोग मोज़िला फायरफॉक्स को बिल्कुल सिक्योर एंड इजी मेथड से अपने लैपटॉप एंड कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे कंप्यूटर में अभी मोज़िला फायरफॉक्स डाउनलोड नहीं है। उसके लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ MOZZILLAFIREFOX। तो आप देख रहे होंगे अभी हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप सिस्टम में मोज़िला फायरफॉक्स डाउनलोड नहीं है। मोज़िला फायरफॉक्स को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। तो मैं अभी गूगल क्रोम को ओपन कर रहा हूँ यहाँ से। देन यहाँ पर आपको लिखना है डाउनलोड मोज़िला फायरफॉक्स लिखना है आपको यहाँ पर। देन आपको एंटर प्रेस करना है। देन आप देख रहे होंगे सबसे टॉप साइड में आपको एक मोज़िला फायरफॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही होगी, आपको यहीं से मोज़िला फायरफॉक्स को डाउनलोड करना है और दूसरा कहीं भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना है। देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह हम मोज़िला फायरफॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। ये मोज़िला फायरफॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख रहे होंगे, और यहीं से आपको मोज़िला फायरफॉक्स डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको डाउनलोड फायरफॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड फायरफॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फायरफॉक्स डाउनलोड होना शुरू हो गया है और यहाँ पर एक exe फाइल डाउनलोड होगी। यहाँ पर एक एरो का साइन होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस एरो के साइन पे। देन सो इन फोल्डर कर लेना है यहाँ से। देन आप फोल्डर में अपनी exe फाइल देख रहे होंगे, इस exe फाइल पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर exe फाइल लोड होनी शुरू हो जाएगी। देन आपको यस करना है एंड यहाँ पर मोज़िला फायरफॉक्स डाउनलोड होना शुरू हो गया है। यहाँ पर डाउनलोडिंग आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगी कि आपका इंटरनेट स्पीड कितना अच्छा है। यदि आप वाईफाई से कनेक्टेड है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आप लैन केबल से कनेक्टेड है तो आपका मोज़िला फायरफॉक्स जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ थोड़ा। और यहाँ पर ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। देन आपके सामने मोज़िला फायरफॉक्स की कुछ इस टाइप से स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पिन टू टास्क बार का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने मोज़िला फायरफॉक्स को टास्क बार में पिन भी कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करते ही। जैसे ही मैं पिन टू टास्क बार करता हूँ, आप यहाँ पर देख रहे होंगे मोज़िला फायरफॉक्स टास्क बार में पिन हो गया है। अब आप डिफॉल्ट ब्राउजर का भी एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपने ब्राउजर को डिफॉल्ट पर सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट ब्राउजर का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी फाइल ओपन करेंगे इंटरनेट के एक्सेस के लिए, तब वह मोज़िला फायरफॉक्स में ही ओपन होगी। जिस ब्राउजर को आप डिफॉल्ट ब्राउजर पर करेंगे, वो फाइल उसी ब्राउजर में ओपन होगी। तो हम अभी इसको मैं के डिफॉल्ट ब्राउजर पर कर लेते हैं। देन इम्पोर्ट फ्रॉम गूगल क्रोम। यदि आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन गूगल क्रोम से इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नोट नाउ करता हूँ, मेक इट योर ओन पर्सनलाइज फायरफॉक्स विथ ए थीम। यहाँ से आप अपनी थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको लाइट थीम करनी है, डार्क थीम करनी है। कैसे, मैं यहाँ पर डार्क थीम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह होगी आपकी डार्क थीम। एंड यहाँ से आप लाइट थीम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ। एंड यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं गूगल। देन यहाँ से आप इंटरनेट पर आसानी से सर्फिंग कर सकते हैं और यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। देन मैं यहाँ से अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ। अभी आप हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर एक शॉर्टकट आ चुका है फायरफॉक्स का कुछ इस टाइप से। अभी हम अपने कंप्यूटर में फायरफॉक्स को सर्च करने वाले हैं। जैसे ही मैं कंप्यूटर में फायरफॉक्स सर्च करता हूँ, तो इस तरह हमारे कंप्यूटर में अभी फायरफॉक्स अवेलेबल है, जैसे कि पहले नहीं था। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यू हैव एनी डाउट, देन कमेंट सेक्शन इज हियर, डू राइट नाउ योर कमेंट। देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।